और अकेले दिल्ली में ही देवी के दुश्मन नहीं है, यूपी के बाराबंकी में भी एक ऐसी ही घटना सामने आई है। यहां एक 7 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ, उस मासूम की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। पुलिस ने इस घटना की रिपोर्ट तो दर्ज कर ली है, लेकिन अभी तक आरोपी गिरफ्त से बाहर है। ये लड़की अपने घर वालों के पास खेत में गई हुई थी, तभी गांव की एक लड़की ने उसे दबोच लिया और लहूलुहान हालत में छोड़कर फरार हो गया। राधेश्याम दीक्षित हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी देंगे। राधेश्याम, फिलहाल ये बताइए, क्या आरोपी गिरफ्त में आ पाया है पुलिस के? देखिए, अभी तक आरोपी गिरफ्त में नहीं है पुलिस की, और पुलिस जिस तरह से पहले मामले में एफआईआर दर्ज नहीं कर रही थी, और उसके बाद जब गांव वालों का दबाव पड़ा और परिवार वालों का दबाव पड़ा, उसके बाद एफआईआर दर्ज की गई है, तो ये समझा जा सकता है कि पुलिस कितनी मुस्तैदी दिखा रही थी इस मामले में। और यही वजह है कि जितने भी इस तरह के मामले आते हैं, उसे पुलिस की ढुलमुल रवैये की वजह से कई बार आरोपी फरार होने में कामयाब हो जाता है। चित्रा, बिल्कुल, हम चाहेंगे एक बार पूरा मामला बताइए, और आरोपी तक अभी तक पुलिस पहुंच नहीं पाई है, परिवार वालों का क्या कहना है पूरे मामले पर? देखिए, ये पूरा मामला जो है ये बाराबंकी का है, बाराबंकी जिले में सुरेहा थाना क्षेत्र है, जहां पर भटगवा गांव है, उसमें ये परिवार रहता था। बच्ची का पिता जो है वो 4 साल पहले गुजर चुके हैं। ये बच्ची घर में अकेली थी उस समय जिस समय ये घटना हुई है शाम के वक्त, और पूरा परिवार खेत में काम कर रहा था, और उसके बाद जब खेत से लौटी है उसकी दादी, और सबसे पहले तो उसने बच्ची को आवाज दी, लेकिन जब आवाज नहीं मिली तो उसने घर के अंदर देखा, और उस समय बच्ची की हालत बेहद नाजुक थी और खून से लथपथ वो बच्ची घर में पड़ी हुई थी, जिसके बाद उनको समझ में नहीं आया। लेकिन कुछ देर बाद जब धीरे धीरे बच्ची को की हालत देखी, तो उन्हें कुछ आशंका हुई कि कुछ गलत हुआ है। उसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों से ही पता चला कि इसकी जो हालत है उसके साथ क्या हुआ है। और उसके बाद जब पुलिस जब उसकी थोड़ी शुरुआती इलाज हुआ, उसके बाद बच्ची ने जब ये बताया है दादी को, उसके बाद इस मामले में परिजनों ने पुलिस की शिकायत दर्ज कराई, और उसके बाद उसके नाजुक हालत को देखते हुए उसको रेफर किया गया दिल्ली लखनऊ में, लखनऊ के क्वीन मेरी अस्पताल में उसका इलाज अभी चल रहा है। बच्ची की हालत में सुधार है अभी फिलहाल। चलिए, शुक्रिया राधेश्याम, आगे भी जानकारी आपसे हम लेते रहेंगे।